नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इंडिया खबर का असर, मोहनराम तालाब मंदिर में मछियों से पुलिस ने उठक बैठक कराई। बता दें कि हमारे संवाददाता फरीद खान ने कोतवाली पुलिस को इंडिया खबर ब्रेकिंग के माध्यम से इस बात से अवगत कराया था कि शाम होते ही लैला और मछलू मोहनराम तालाब मंदिर में जमावड़ा लगाकर बैठ जाते हैं। तो कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने कस्बा भ्रमण के दौरान मोहनराम तालाब का जायजा लिया। वहां पर कई लड़के और लड़कियां मिले, जहां पर लड़कियों को शमशाश्री देकर छोड़ दिया गया था और मछलू की जमकर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार ने क्लास ली थी और मछलू से उठक बैठक करवाई और लड़कियों को शमशाश्री देकर छोड़ दिया गया। पर संवाददाता ने जब मोहन राम मंदिर के पुजारी से बात की तो लवकुश प्रसाद शास्त्री ने बताया कि मोहन राम तालाब मंदिर में शाम होते ही लड़के और लड़कियां और असामाजिक तत्व मंडराने लगते हैं और मोहन राम मंदिर में कई मर्डर भी हो चुके हैं और इससे पहले एसपी और कलेक्टर को इस बात से अवगत कराया जा चुका है, किंतु मोहन राम तालाब मंदिर में आए दिन घटनाएं घटित होती रहती है। अगर मोहन राम तालाब मंदिर में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा तीसरी आंख की व्यवस्था कर दी जाए तो न असामाजिक तत्व बैठ सकते हैं और न ही मनचले युवक और युवतियां। फरीद खान की रिपोर्ट। फरीद खान, इंडिया खबर शहडोल से आपको लेकर आया हूँ मोहन राम तालाब मंदिर, जो ऐसा कि यहाँ के लोग बताते हैं लगभग 100 से 200 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पे सभी की आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा शाम होते ही यहाँ पे असामाजिक तत्व और कुछ पीने खाने वाले आके बैठ जाते, जिससे मंदिर के पुजारी ने शिकायत की है और शहडोल सिटी कोतवाली पुलिस ने कल कार्रवाई करते हुए यहाँ कुछ लड़के और लड़कियों को उठक बैठक भी करवाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और यहाँ कब से यहाँ की व्यवस्था है, 1995 देख रहे हैं, यहाँ की व्यवस्था मंदिर की हम ही देख रहे हैं, सेवा भगवान की। मोहन राम मंदिर सब लगभग ये 200 वर्ष पुराना है। इस तालाब, मोहन राम तालाब मंदिर के प्रांगण में और दरबारी बहुत होती है, लड़की लड़के इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर असामाजिक तत्व होकर खड़े होते हैं, बैठ करके दारू पियेंगे और मछली भी मारते हैं, ठेकेदारी करते हैं, गलत गलत कार्य हो रहे हैं। तो इस बात से इस बात से आपने कभी यहाँ के प्रशासन जो है एसपी साहब को, पहले वाले एसपी साहब थे, कई बार कलेक्टर को, कई बार जो है हमने थाना को भी सूचित किए हैं और इसमें कई मर्डर भी हुए हैं और होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पुलिस प्रशासन जो है अच्छी तरह से ध्यान दे। और यहाँ जैसे सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था नहीं, तो आप नगर पालिका से क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ सीसीटीवी? हम ये कहते हैं कि नगर पालिका तालाब की भी जो है ध्यान दे, तालाब की सफाई ठीक से नहीं हो रही है। और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था कर दे। क्या नाम है आपका? लोकेश प्रसाद साहू।